हनुमानगढ़ वितरण केंद्र के खैरा गांव में एलटी विद्युत लाइन के तार टूटकर अचानक जमीन पर गिर गए। इससे करंट की चपेट में आकर तीन मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और बिजली विभाग को दी है, तब जाकर सप्लाई बंद की जा सकी। वहीं मवेशियों की मौत से किसानों पर जीविकापार्जन का संकट छा गया है। कर्मचारी भी आ गए हैं, हम बात करते हैं क्या है, कैसे हुई ये घटना, आखिर कितनी बड़ी लापरवाही विभाग द्वारा की गई है। इसमें ये है कि देखिए कि ये पूर्व में, बहुत पूर्व में ये डीएल लाइन थी, इससे लाइन को काट कर एजीएल में जोड़ दिए थे। तो यहाँ के पब्लिक जब एजीएल में लाइन नहीं आती थी तो यहाँ के लोग बाग मतलब डीएल लाइन जो है तो खींच के यहाँ जोड़ के ले आकर फिर खींचे थे। अच्छा, कि हमारे घर में आज और हो। अच्छा, है ना। और एक बार फिर आसो जानकारी हमको यह मिली कि थ्रेसर के टाइम में एक हेल्पर कोई तार को खींच के तीन फेस जोड़ दिया। अच्छा, इसमें विभाग का हेल्पर। हाँ, विभाग का हेल्पर। अच्छा, इसमें जो है तो एक तार था, एक फेस, एक अर्थ था। तो इतने समय तीन तार है, इसमें दो तीन तार हो गए, चार थे, तीन फेस। यह समस्या है, विभाग जो है कौन चीज दे नहीं, न आदमी दे। सुरक्षा उपकरण आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है विभाग से? जैसे आप लोग पोल में जब जाते हैं काम करने तो कुछ दस्ताना वस्ताना, हेलमेट, कुछ नहीं मिलता। ये सब जो कुछ जरूरी, कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। सुरक्षा उपकरण होते हैं जो सरकार का प्रावधान भी है कि ऐसे में काम करने वालों को तो आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाए। हाँ, तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, न तो पिलास मिलती है कोई टीएमपी, न दस्ताना, न बैग, न झूला। सब कर्मचारी अपने से खरीदा थे और अपने से काम करा। देखिए, एक लापरवाही ये भी सामने आ रही है कि जो जमीनी स्तर के बिजली का मुख्य सुधार का कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं विभाग के ही जिम्मेदार की अनदेखी है कि इन लोगों को सुरक्षा उपकरण विभाग नहीं दे रहा है। इनकी भी समस्या है। कैमरामैन संवाददाता गिरीश कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।